जनपद अम्बेडकर नगर में पंचायत सहायकों का शोषण का मामला आ रहा है और ये लोग लगातार शोषण के आरोप लगा रहे हैं। इनसे हम जानते हैं क्या है ब्लॉक अध्यक्ष, क्या सुबह यादव ब्लॉक अध्यक्ष जलालपुर, क्या मामला है आपका शोषण? हमारे यहाँ क्रॉप सर्वे करवाया जा रहा है, जो कि सबसे ज्यादा इसमें महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई है, जो उनको असुरक्षा महसूस हो रही है, उनको सुरक्षा कोई प्रदान नहीं की गई है। तो आप लोग क्या क्यों यहाँ धरना दे रहे हैं और कितने दिनों तक देंगे? हम लोग धरना इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग क्रॉप सर्वे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी पंचायत सहायक को न खसरा का ज्ञान है न नक्शे का ज्ञान है, इसलिए कोई पंचायत सहायक क्रॉप सर्वे नहीं करेगा। इसलिए आप लोगों की नियुक्ति की गई, हमारी नियुक्ति की गई ग्राम सचिवालय पर, जो ग्राम सचिवालय बना उसमें पंचायत सहायक के रूप में हम लोगों की डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्ति की गई है, जो कि गाँव का मामला रहेगा। जो गाँव का कहाँ से आप हैं? हम जलालपुर धमरुआ ग्राम पंचायत से हैं। जी मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलम भारती है, मैं रामनगर ब्लॉक से। क्या समस्याएं आ रही हैं महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए बहुत समस्याएं हैं, सब जो जंगल में जाके हम लोग को, एक तो पंचायत जंगल में बनवा दिए हैं, बाकी हम लोग को नेट की सुविधा मिलती है, वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं, ना हम लोग को पानी मिलता है, ना वहाँ पे कोई कर्मचारी जाता है, हम लोग ना हम लोग की टाइम से मानदेय आती है, जब मर्जी जब लगा मानदेय दिया जाता है, 6 महीने 6,000 दिया जाता है। कितने दिनों से नहीं दिया गया? अभी दिया जाता है लेकिन बहुत टाइम बाद दिया जाता है। कितने? लगभग 3-4 महीने, 6-6 महीने लगा देते हैं। 6-6 महीने कोई और बोलना चाहेगा? कौन समस्याएं क्या है? आराधना बोलो। सवाल ये है कि जो हम लोगों का नाम है, जैसे पंचायत, कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? माय नेम इज सुचि होता, ग्राम पंचायत। जैसे हम लोगों का जो पद है वो पंचायत सहायक है, इसके साथ जो है कम डेटा एंट्री ऑपरेटर है। तो अभी क्या है, अभी जो हम कर रहे हैं सर्वे, पंचायत क्रॉप सर्वे कर रहे हैं, इसके साथ ये देखा जा रहा है क्या है ये क्रॉप सर्वे में, क्या बताया? मैं बताना चाहूँगी यही कि मैंने इसको सर्च किया तो गूगल पे जो निकला था यहाँ पे कृषि विभाग के कई लोग बोल रहे या अन्य राजस्व विभाग, अपनी सारी समस्याएं सभी लोग बताए, सभी लोग बोल रहे, ठीक है, जबकि हम पंचायती राज विभाग के कर्मचारी हैं और इसमें हम लोगों को भी लगाया जा रहा है, तो यही ये चीजें गलत है, ये हम कभी नहीं कर सकते। अब सर्वे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं अकबरपुर ब्लॉक से हूँ, मेरा ग्राम पंचायत है सुनानकारा, पंचायत सहायक हूँ। पहली चीज़ तो मेरा पंचायत बहुत दूर है, वो एक आउट एरिया में आउट साइड में है, वहाँ पे मैं जाती। क्या समस्याएं, मूलभूत समस्याएं क्या थी? सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ जाने के बाद व्यवस्थाएं नहीं मिलती हम लोगों को, जिस तरीके से वहाँ पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए कोई व्यवस्था नहीं। क्या व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं, ऐसा क्या लगा आप? मेरे पंचायत में पानी की व्यवस्था नहीं थी, वो हो चुका है, लेकिन अभी भी वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं। मेन चीज क्रॉप सर्वे में जो 10 बजे से 5 घंटे तक बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता है, उस चीज़ को ना ही डाटा की व्यवस्था दी जाती है, उसके बाद भी सुरक्षा के दृष्टि से क्या समस्याएं आती हैं आपके? हाँ आप बोलना चाहोगे? अध्यक्ष क्या नाम है आप? मेरा नाम आराधना मौर्य है, मैं बसखरी ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ। मैं पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद से कार्यरत हूँ, जो कि जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो उस वक्त चार्ट पेपर पे यहाँ पर हमारा ऑफिशियल वर्क बताया गया था, और इस टाइम हमसे बिल्कुल अपोजिट वर्क करवाया जाता है, जैसे कि अभी दिया गया हमको क्रॉप सर्वे, और क्रॉप सर्वे में हमारे फीमेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि खेत काफ़ी दूर दूर पे है और वहाँ हमको जाने में भी असुविधा हो रही है, और ग्राम पंचायत भी दूर है, और दूसरी बात वहाँ पे हमको काफ़ी ज़्यादा असुविधा महसूस हो रही है, और सुरक्षा हमारी कोई भी नहीं हो रही है। ये हैं महिलाएं और ये पंचायत सहायक हैं, जनपद के सभी ब्लॉकों से आए हुए लोग हैं, इनकी अलग अलग समस्याएं हैं, और ये लोगों कहीं ना कहीं हर महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रथम दृष्टता भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहती है, और ये असुरक्षित महसूस कर रही है गाँव गिराओं में जाने के लिए, वहाँ पर बहुत सारे मलचले टाइप के लोग रहते हैं, या किस तरीके से तरह तरह के लोग रहते हैं, इनका आरोप है, कहीं ना कहीं ये समस्या इनकी मूलभूत समस्या है। कैमरा पर्सन के साथ अनूप तिवारी, अम्बेडकर नगर।